नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द प्लांट किंगडम पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर कैक्टस प्लांट्स के अंदर सड़न की समस्या आ रही है, मतलब रोटिंग की, तो हम प्लांट को किस तरीके से ट्रीट करें कि वो हमारे कलेक्शन में बना रहे, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या उपाय करे जाने हैं कि प्लांट सड़े ना और मरे ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनर दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जब मैं अपने गार्डन में प्लांट्स को देख रहा था दोस्तों, तो एकदम से मेरी नज़र इस प्लांट के ऊपर पड़ी। इसका नाम है दोस्तों मैमलियेरा बॉम्बिका। फ्रेंड देखिए, एक नज़र देखने से इस प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही हमें, लेकिन जैसे ही मैंने इस प्लांट को थोड़ा सा हटाया, देखिए नीचे से ये रॉट हो चुका था। मे बी दोस्तों प्लांट के अंदर ओवर वाटरिंग हो गई है, जिससे कि यह समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है दोस्तों, वो हम देखेंगे। हमें करना ये है दोस्तों, हमें प्लांट को लेना है, जो भी रॉट हिस्सा हो रहा है हमें उसे प्लांट से कट करके अलग करना है। हमें ये देखना है कि प्लांट के अंदर जो ये रॉटिंग है वो कहाँ तक है। उसको हटाने के लिए दोस्तों हम एक शार्प कटर लेंगे। कोशिश करिए जो उसका कटर का ब्लेड है उसको आप सैनिटाइज़ कर लीजिए। मैं नया ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो हम इसको कट करके देखेंगे कि ये प्लांट कहाँ तक सड़ा हुआ है। ये देखिए, नीचे से तो ज़्यादा ही हालत ख़राब थी, यहाँ पर आने के बाद में रॉटिंग कम हो गई है। हम इसको और थोड़ा कट करेंगे दोस्तों, जिससे कि अगर ये थोड़ा सा रॉटिंग है तो हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अंदर तक है फ्रेंड्स, तो हम इसे और काटेंगे। हमें श्योर करना है दोस्तों कि जितना भी सड़ा हुआ पार्ट है प्लांट में से, उस सारे के सारे पार्ट को हमें हटा देना है। अभी देखिए ये यहाँ पे बहुत कम हो गई है रॉटिंग, अभी से थोड़ा सा और काटेंगे। फ्रेंड्स, एकमात्र यही तरीका होता है सड़ते हुए प्लांट को बचाने का, आपको उसका टोटली इन्फेक्टेड पार्ट काट के हटाना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश प्लांट आ गया है, अब यहाँ पर रॉटिंग का कोई निशान नहीं है। अब दोस्तों अगला स्टेप हमें क्या करना है, ये तो हमारे रॉटेड पार्ट हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये हमें फेंकने हैं। जो हमारा सॉफ्ट पोर्शन हमें प्लांट का मिला है, अपर पोर्शन जो होता है, अपर पोर्शन हो फ्रेंड्स या लोअर पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन हो, आपको उसको क्लीन करना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स, फंगीसाइड का हमें इस पर अप्लाई करना है किसी ब्रश की मदद से। और फ्रेंड्स, फंगीसाइड आप कोई सा भी यूज़ करिए जो आपके पास अवेलेबल हो। कुछ कॉमन नेम्स हैं जैसे साफ, बाविस्टीन, ये काफ़ी चीप प्राइस पे फ्रेंड्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। मैं जो फंगीसाइड यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो है रेड मिल गोल्ड, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है फ्रेंड्स। इसको हमें बारीकी से ब्रश की मदद से पूरे प्लांट के ऊपर लगा देना है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इसको ड्राई करेंगे तो ये फंगीसाइड ही है जो सड़न को आगे बढ़ने से रोकेगा, प्लांट के अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देगा। इस प्लांट को हमें दोस्तों कम से कम 10 दिन तक रखना है शेड के अंदर, सुखाना है ये जो हमने कट किया है पोर्शन, इसको टोटली ड्राई करना है हमको। और फ्रेंड्स, ड्राई करने के लिए आप इसको अपने कमरे में रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक मैमलियर की वेराइटी है, लास्ट ईयर इसमें भी रोटिंग आई थी, मैंने इसको काट के इसी तरीके से मैंने रखा था। और आज देखिए ये प्लांट कितना अच्छा, दोबारा पप्स इसके साइड में आ गए हैं। दोस्तों जो रॉटिंग की समस्या आती है वो मोस्टली ओवर वाटरिंग की वजह से आती है, आप अपने प्लांट्स के अंदर कभी भी ओवर वाटरिंग ना करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।